यूट्यूब चैनल बाल मंदिर पाठ्य कक्षा 11 के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। निम्नलिखित समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। दिया गया है समुच्चय x बराबर 1 5, समुच्चय y बराबर 1 2 3। तो ये आपको दिया गया है, तो इसका सम्मिलन ये होगा x यूनियन y, x यूनियन y 1 3 5 यूनियन 1 2 और 3। इसका x यूनियन y बराबर हो जाए दोनों समुच्चयों के टोटल अवयवों की नंबर 1 2 3 और 5। ये आपके समुच्चय के x और समुच्चय y का सम्मिलन समुच्चय है। ये दिया गया था x 1 3 5, y बराबर 1 2 3, x यूनियन y बराबर 1 3 5, यूनियन 1 2 3, 1 है 2 है 3 है 5 दिया गया है। प्रश्न नंबर 2, पहले का दूसरा समुच्चय a बराबर x कॉलन x एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है, ये दिया गया है। b x कॉलन x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो यह आपको दिया गया है। समुच्चय की इस प्रकार लिखेंगे अपन, x कॉलन x प्राकृत संख्या जो 3 का गुणज है, 3 का गुणज यानी 3 6 9 12 14 15, ये आपके 3 का गुणज। समुच्चय b x कॉलन x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से कम प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, 6 से कम प्राकृत संख्या है, तो इसका सम्मिलन ज्ञात करना आपने को, यानी कि यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो ये आपके 3 6 9 12 यूनियन समुच्चय बी यानी 1 2 3 4, इसमें 3 तो है यहां तक, तो 1 से लेकर 5 का संख्या आ जाएगी अपने पास। ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 आ गया, फिर यहां पर 6 9 12 15 14, ये आपके इनका ए यूनियन बी समुच्चय आ जाएगा। एक्स और एक्स प्राकृत संख्या तो 3 का गुणा है, 3 6 9 12 14 बी एक्स और एक्स संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, ए यूनियन बी इसके अंदर 1 2 3 4 5 भी आ जाएंगे, जिसमें 3 यहां तक आ जाएगा। उसके बाद टोटल 3 का गुणज ये यहां तक तो बी समुच्चय पूरा आ जाएगा और 3 इसमें आ गया है, तो अपने पास देखो 1 2 3 4 5 यानी बी पूरा आ गया, फिर 3 इसमें 1 गुणज हो गया, 3 यहां आ गया, तो उसके बाद टोटल 1 अवयव बचेंगे, ए में 6 9 12 15 अनंत। प्रश्न नंबर 2 है, ये दिया गया है ए बराबर समुच्चय ए, समुच्चय ए बराबर ए बी, समुच्चय बी बराबर ए और बी सी, तो इसमें पूछा है क्या ए बी का समुच्चय है और ए यूनियन बी क्या, तो आप देखो ए उप समुच्चय बी का है क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित, ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है, ए उप समुच्चय बी का, ए उप समुच्चय है ए यूनियन बी पूछा है, ए यूनियन बी यानी ए यूनियन बी यानी ए जब उप समुच्चय बी का, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी ए बराबर आ गया ए, ए और बी यूनियन ए बी इसमें आ गया सभी अवयव का समुच्चय ए बी और ए यूनियन बी, ए बी सी बी का अवयव है, ए यूनियन बी बराबर आ गया समुच्चय बी के अवयव का समुच्चय। ए बी का समुच्चय है क्या, ए में अवयव है ए और बी,
बी में ए बी सी ए के ए उपसमूह से बीच का है क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है और ए उपसमूह है बी ए यूनियन बी ए बी यूनियन ए बी सी ए यूनियन बी आ जाएगा तीन अवयव ए यूनियन बी ए बी सी किसके अवयव है ए बी बी के ए यूनियन बी बराबर आ जाएगा। प्रश्न नंबर तीन दिया गया है ए और बी दो ऐसे समुच्चय है यदि ए उपसमुच्चय बी का हो तो ए यूनियन बी क्या हो। इस प्रश्न में कोई डिफरेंस नहीं है। यदि दिया गया समुच्चय ए उप समुच्चय बी का है तब ए का प्रत्येक अवयव बी समुच्चय में उपस्थित है ए यदि दिया गया समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है तब ए का प्रत्येक अवयव बी समुच्चय में उपस्थित है तब ए उप समुच्चय बी का। तब एग्जाम्पल के लिए बी बराबर अपन लेते हैं एक दो तीन और बी बराबर लेते हैं एक दो तीन चार आप देखो ए उप समुच्चय है बी का एक प्रतीक इसमें मौजूद है तब ए यूनियन बी आप पूछते हो ए यूनियन बी ए में है एक दो तीन यूनियन बी बी में एक दो तीन चार और पांच तो आप ए यूनियन बी आने एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच समुच्चय बी आ जाएगा ए यूनियन बी बराबर आ जाता है समुच्चय बी। दिया गया है ए और बी दो ऐसे समुच्चय ए उप समुच्चय बी का ए यूनियन बी क्या होगा ए यूनियन बी होगा बी। यदि दिया गया समुच्चय ए उप समुच्चय बी का है तो ए का प्रत्येक अवयव बी होगा बी समुच्चय उपस्थित है तो ए समुच्चय बी होगा। एग्जाम्पल ए बराबर एक दो तीन बी बराबर एक दो तीन चार पांच ए उपसमुच्चय बी का है तब ए यूनियन बी ए और बी का क्या कर दिया आपने यूनियन कर दिया सम्मिलन तो एक दो तीन और इसमें एक दो तीन चार पांच है तो एक दो तीन आगे इसके एक चार और पांच आगे तो ये ए यूनियन बी बराबर आ गया बी समुच्चय बराबर क्या होगा बी समुच्चय। प्रश्न नंबर पांच प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। दिया गया है समुच्चय x बराबर एक की पांच समुच्चय y बराबर एक दो तीन सर्वनिष्ठ समुच्चय यानी उभयनिष्ठ समुच्चय प्रतिच्छेद समुच्चय तो x उभयनिष्ठ y समुच्चय इसमें एक तीन पांच उभयनिष्ठ एक दो तीन कौन सा समुच्चय उभयनिष्ठ है अपने पास तीन दोनों में कॉमन है यानी प्रतिच्छेद ये आपके तीन एक्स उभयनिष्ठ वाई का सर्वनिष्ठ समुच्चय या एक्स वाई का सर्वनिष्ठ समुच्चय का तीन दिया गया है दो तीन चार पांच छह बी बराबर दिया सात आठ नौ सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालना आपको ए उभयनिष्ठ बी में जब आप दो तीन चार पांच इसमें इसका कोई उभयनिष्ठ या प्रतिच्छेद समान अवयव है ही नहीं वृत्त समुच्चय होगा तो अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता तो वृत्त समुच्चय होता इसका ए उभयनिष्ठ बी एक वृत्त समुच्चय है दोनों में कोई अवयव कॉमन नहीं है। जब दो समुच्चय में कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है तो दोनों समुच्चय वृत्त समुच्चय कहलाते हैं। दिया गया है ए बराबर एक दो तीन बी बराबर दिया है समुच्चय यानी समुच्चय में कोई अवयव उपस्थित नहीं है ए माइनस बी
ये उपनिषद भी दोनों में ऋग समुच्चय सभी समुच्चय का समुच्चय होता है। तो आप देखो एक दो तीन उपनिषद फाइव इसमें से आएगा तो फाइव दोनों में कोई भी उपस्थित है ही नहीं इसमें शून्य आयु है तो ये ऋग समुच्चय है इनका उपनिषद समुच्चय। प्रश्न नंबर सात इसमें एक तो आपको ए उपनिषद भी ज्ञात करना है एक ए उपनिषद सी निकालना है और ये पांचवा प्रश्न ये उपनिषद दिया गया है ए एस कॉलन एच प्राकृत संख्या है बी एस कॉलन एच एक संप्राकृत संख्या है सी एस कॉलन एच एक विषमप्राकृत संख्या है डी एस कॉलन एच एक अपवाच्य संख्या है। ये चार दिए अपन थोड़ा इसको कन्वर्ट करते हैं प्राकृत संख्या अपने को वन टू थ्री अनंतर बी एस पर संपर्क संख्या है दो चार छह आठ और सी एक विसंपर्क संख्या है एक तीन पांच सात डी एक तो भाज्य संख्या है और भाज्य संख्या वो संख्या जिसको अपने और किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए दो तीन पांच सात ये सब अभाज्य संख्या है ये सब जो अभाज्य संख्या है इनमें से आपको जो चाहिए इसमें देखो आप ए भी हो प्राकृत संख्या का समुच्चय बी दिया गया संप्राकृत संख्या का समुच्चय दो चार चार अनंतक सी एक्स वन एक्स संप्राकृत संख्या बी एस एक अभाज्य संख्या है एस संख्या ए यूनिश भी निकाला दूसरा प्रश्न ए यूनिश सी पांचवा निकाला बी यूनिश आप देखो पहला लेते हैं इसमें से ए यूनिश ए यूनिश यानी ये तो प्राकृत संख्या है और ये है संप्राकृत संख्या तो संप्राकृत संख्या है दो चार छह आठ ये सब प्रॉपर यूनिश आ जाएगा वापस लिया जाएगा समुचे बी के बराबर तो वापस प्राकृत संख्या और संप्राकृत संख्या में से संप्राकृत संख्या कॉमन है तो संप्राकृत संख्या समुचे आ गया आपके पास। सेकेंड प्रश्न नंबर ए यूनिट सी ए है प्राकृत संख्या का समुचय सी है विषम प्राकृत संख्या का आप देखो ए है प्राकृत संख्या होगा सी है विषम प्राकृत संख्या समुचय विषम प्राकृत संख्या समुचय कॉमन आ जाएगा एक तीन पांच और सात ए विनिष्ट सी विषम प्राकृत संख्या आ जाएगा बराबर वापस सी आ जाएगा बी विनिष्ट बी पांचवा बी के अंदर अपने पास है देखो आप सम संख्या दो चार छह आठ बी के अंदर दो तीन पांच सात इसमें केवल बी में अंदर सम संख्या ही है और बी के अंदर केवल दो तीन अभाज्य संख्या है इसमें केवल सम संख्या है सब अभाज्य संख्या केवल दो ही है ये दो तीन पांच सात ये इनमें से दो आया बराबर आ गया अपने पास समुचे दो अब आप देखो दिया गया है ए एस कॉलन एस एक प्राकृत संख्या है बी एस कॉलन एस एक संप्राकृत संख्या है सी एस कॉलन एस एक संप्राकृत संख्या है डी एस कॉलन एस एक अभाज्य संख्या प्राकृत संख्या वन से लेकर अंत तक ये भी सम संख्या दो पांच छह आठ दस अंत तक होती है ये भी सम संख्या होगी सी विषम प्राकृत संख्या एक तीन पांच सात इसमें आप एक्स वन एक्स अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अपने अलावा किसी दूसरी संख्या भाग नहीं जाए दो तीन पांच पांच ग्यारह छह ए उपनिष्ट ए अपने पास है प्राकृत संख्या है बी अपने पास है संप्राकृत संप्राकृत संख्या इसमें से कॉमन आ जाएगी प्राकृत संख्या में संप्राकृत संख्या दो चार छह उपनिष्ट आ गया ये बराबर आएगा बी ए उपनिष्ट बी बराबर बी क्योंकि प्राकृत संख्या में से संप्राकृत संख्या कॉमन होती है ए उपनिष्ट ए है अपने
प्राकृत संख्या सी है विषम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या में से विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या का उप समूह चलता है ये अपने पास सी। बी यूनिस्टी बी एक सम प्राकृत संख्या है 2, 4, 6, 8। बी अपने पास अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो बी 2, 4, 6, 8 डॉट 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 2, 3, 5, 7, 11, 13 आगे डॉट। तो इनमें सम संख्या और अभाज्य संख्या में केवल 2 एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है जो दोनों में विनिष्ट है, बी विनिष्ट बराबर है 2। तो ये आपके प्रश्न नंबर 7 क्लियर हुए। और अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 8। प्रश्न नंबर 11, यदि r वास्तविक संख्या का समुच्चय है और परिमेय संख्या का समुच्चय है तो r माइनस q क्या होगा? और इसका हल इस प्रकार है, जब r बराबर है अपने पास वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r वास्तविक संख्या का समुच्चय है और q बराबर है अपने पास परिमेय संख्याओं का समुच्चय, क्यू बराबर है परिमेय संख्या का समुच्चय और आर माइनस क्यू बराबर वास्तविक संख्या के समुच्चय एस कॉलन एस कॉलन टू आर माइनस परिमेय संख्या का समुच्चय एस कॉलन एस कॉलन टू क्यू। वास्तविक संख्या के समुच्चय में से परिमेय संख्या के समुच्चय घटाएंगे अपने पास आ जाएगा एस कॉलन एक्स बिलोंग टू अपरिमेय संख्या, अपरिमेय वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे अपने पास अपरिमेय संख्या में समुच्चय बचेगा अपरिमेय संख्याओं। वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या का समुच्चय हटाएंगे अपरिमेय संख्या का समुच्चय बचेगा आर माइनस क्यू अपरिमेय संख्या का समुच्चय होगा अपने पास आर माइनस क्यू। दिए गए असीम समुच्चय कौन सा समुच्चय? असीम समुच्चय वो समुच्चय कहलाता है जो दिए गए समुच्चय में से कोई अवयव विनिष्ठ नहीं है। देखो आप ए विनिष्ठ बी बराबर है फाइव होना, क्या होगा फाइव। देखो आप समुच्चय ए विनिष्ठ बी 2, 6 और 10 विनिष्ठ 3, 7 और 8 या सम संख्या हो या विषम संख्या, सम संख्या विषम संख्या में कोई अवयव विनिष्ठ नहीं होता है, नहीं होता है तो रिक्त समुच्चय विनिष्ठ होता है, कोई समुच्चय विनिष्ठ नहीं होता है तो रिक्त समुच्चय, दो समुच्चय में अगर विनिष्ठ हुए रिक्त समुच्चय है उसे असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। ये असंयुक्त समुच्चय है, ये समुच्चय है। ये आपके प्रश्नावली 1.4 कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट लेंगे अपन 1.5।